विंड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विंड सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। मुल्क की 75वीं यौम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे के इस बाविखार मौके पर महाराष्ट्र मुंबई मलाड वेस्ट चारकोप नाका पर मौजूद आइबा फाउंडेशन के अहाते में बेहतरीन पैमाने पर यौम जमहूरिया की खुशियां और जश्न मनाया गया। आइबा फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी गफ्फार शेख की जानिब से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पर मेहमान खसूसी के तौर पर इरफान खान, सलमा मैडम, बीना सिंह ठाकुर, बेहतरीन हार्ड वर्कर और दिगर कई सारे मेम्बरान भी यहां पर मौजूद थे। इस मौके पर कौमी परचम लहराते हुए तमाम शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए हार्ड वर्किंग सोशल वर्कर बीना सिंह ठाकुर, जनरल सेक्रेटरी गफ्फार शेख और दिगर मेम्बरान ने भी आइबा फाउंडेशन की बेहतरीन खिदमात का खुलासा किया। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से नुमाइंदा रिपोर्टर वलीउल्लाह खान की एशियन टीवी न्यूज के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, मैं वलीउल्लाह खान, आप देख रहे हैं एशियन टीवी न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम आए हुए हैं मुंबई मलाड वेस्ट आइबा फाउंडेशन चारकोप नाके पे। आइबा फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी श्री गफ्फार शेख साहब से हम मुलाकात करते हैं। आज 26 जनवरी है, जैसा कि सारा देश जो है झंडा फहराता है, और 76वीं आज़ादी, 76 साल हो गए हमारे इस देश को आज़ाद करने होके। इस मौके पे गफ्फार शेख साहब क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को और अपने फाउंडेशन की जानिब से, इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। सर, स्वागत है आपका एशियन टीवी न्यूज़ में। आपका भी स्वागत है। ये क्या कहना चाहेंगे आज के दिन का? सबको बधाई 26 जनवरी का जी। और आइबा फाउंडेशन हर साल अपना झंडा वंदन करती है, ये बार भी किए हमने, हमारी पूरी टीम ने। और अभी आगे क्या एक्टिविटी कुछ करने वाले हैं? आगे अभी रमज़ान का राशन बांटना है अपना सीनियर सिटीजन और विधवा पेंशन जो रहते हैं ना, वो लोग को हम लोग देंगे राशन। सुना गया है सीनियर सिटीजन को आप सबसे ज़्यादा हेल्प करते हो। सीनियर सिटीजन को हम लोग सबसे ज़्यादा आगे बढ़ के हेल्प करते हैं जी, कोई भी तकलीफ होने नहीं देते वो लोग को जी। अच्छा, इसके पहले भी आप तमाम एक्टिविटी करते रहे, तो आपको डोनेशन वगैरह अभी कुछ आ रहा है गवर्नमेंट से या नहीं? नहीं, अभी फ़िलहाल 7-8 महीना बचा है हमारा 3 साल कम्प्लीट होने के लिए। डोनेशन बोले तो कैसा है, ट्रेंड सर्कल है और अपने जितने भी मेम्बर लोग हैं, ये सब मिलजुल के हम लोग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बीना सिंह ठाकुर साहिबा, आज आइबा फाउंडेशन की जानिब से आप क्या कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों को और देशवासियों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आइबा फाउंडेशन हैज कंप्लीटेड 2 इयर्स। दिस इज द सेकेंड ईयर वी हैव सेलिब्रेटेड आवर 26th January फ्लैग होस्टिंग, एंड टुडे फ्लैग होस्टिंग वॉज होस्टेड बाई मैडम सलमा खान। She is a vice treasurer of our team, and our ex-chairman Mr. Parvez Khan, we miss him like as usual, we miss him every day. President of our Aiba Foundation Shabista Sheikh ji, our national general secretary Abdul Ghaffar Sheikh ji, our national vice president Irfan Khan ji, we have different team working on different platform. We have 2 festivals of our India, that is 26 January and 15th August. We celebrated with great happiness, and the second team we have Srimati Sana Khanji. She handles all the crime department, plus she is a reporter, and Munna Bhai is also there. Many of them, they always help us. As you all know that today, 26 January, we all were present near Aiba Foundation to celebrate our Republic Day. We observe that India's Republic Day, the country national festival, the Indian Constitution went. The Indian Constitution went into different stages. On 26 January, we observe Indian's Republic Day, the national festival of our country. The Indian Constitution went into different
effects on this day in 1950. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar referred as the father of the constituency of India, drafted constitution with the supreme law of India. And today our respected Prime Minister Mr. Narendra Modi ji has hoisted flag. Each and every party of the India, different parties, has their the head has hoisted the flag. Our BMC, our respected police station, in each and every schools, in each and every nookad of the area, everywhere, everyone has hoisted the flag. And as you all know that many people of our country, from the past and past decades, they have shed their blood to get the freedom of our country. A mother, she has lost son. A wife, she has lost husband. Sister, she has lost brother. They have fought for our country. And even the ladies who have stayed at home in that time, they have also struggled a lot to get the freedom of our country. So I wish that, and I say that to each and every young generation, that you should go ahead, because we have got the freedom. We have got this freedom by lots and lots and lots of struggle. And many, many Mahatmas, many, many great leaders, many, many people, they have fought for our country, like Mahatma Gandhi ji, Subhash Chandra Bose ji, Jawaharlal Nehru ji, Vallabhbhai Patel ji. Many leaders, they have fought. So I want young generation to go ahead, to respect their nation, to follow the nation's rules and regulation, to learn the constitution of our India, and go ahead in life. And happy Republic Day to each and everyone. Thank you so much. Assalamu alaikum. First of all, सबको आईबा फाउंडेशन की तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे. मैं हमारे जनरल सेक्रेटरी गफार सर के बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ. ये फाउंडेशन 2 साल से रन कर रहे हैं वो, और बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं. वो सिर्फ ना लोगों की हेल्प करते हैं, यहाँ तक हम जो टीम में हैं वो हमारी भी हेल्प करते हैं, हमारा भी देखते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं. मीन्स वो लोगों के साथ साथ अपने टीम मेंबर का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं. बहुत से ऐसे फाउंडेशन होते हैं जिन्हें अपनी टीम मेंबर से कुछ मतलब नहीं होता है, बस आप फंड्स लेकर आओ और सब कुछ करो. बट गफार सर है, सलमा मैडम है, ये सब खास करके ख्याल रखते हैं कि आप जो टीम में है वो अच्छे से है या नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है. तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं ये फाउंडेशन के साथ जुड़ी हूँ. मुझे खुद को अच्छा फील होता है कि एक अच्छा जेन्युइन फाउंडेशन है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, जेन्युइन है, जो किसी के फंडिंग्स पे डिपेंड नहीं है. उनके पास जैसा होता है वो उस तरह से लोगों को हेल्प करते हैं. हम हर फेस्टिवल अच्छे से मनाते हैं. हम लोग पार्टियार्ची नहीं करते हैं कि ये हिंदू का है, ये मुस्लिम का है, ऐसा कोई है, ऐसा नहीं. हम सारे फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं. गफार सर है जो सारी ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से सेटअप करते हैं. हम सब का अच्छे से ख्याल रखते हैं. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के. थैंक यू सो मच. जय महाराज.